उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और यहाँ पे पदभार जो है वो ग्रहण कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में पदभार ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे पहले विभाग की बैठक भी हुई और यहाँ पे पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक बड़े चैलेंज भी है स्वास्थ्य शिक्षा नहीं देखिए प्राथमिकता रहेंगी इसमें प्राथमिकता क्या है लोगों की सेवा और हमारा तो मुद्दा ही रहा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का और हम लोगों ने जो प्रण लिया था उस प्रण को पूरा करना है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस काम को हम लोग अब मिलकर के करेंगे पूरा जो भी समस्याएं हैं जो भी उलझने हैं उन सबको दूर किया जाएगा और जनहित के कार्य करेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेवारी हमको मिली है इसको जो है ईमानदारी से बखूबी ढंग से हम लोग करेंगे और साथ ही बिहार के लोगों का आगे बढ़ाने का और बिहार को किस प्रकार से विकसित राज्यों में जोड़ने का जो हम लोगों का सपना है उसको भी पूरा करेंगे। इस विभाग में सर कई सारी रिक्तियां हैं उस पर भी ध्यान दिया। अरे भाई क्यों चिंता करते हैं, जब गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान नहीं किया था वो मोहर लगाया था वो होना तय है। हम तो पहले भी आप लोगों को बोले थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, उसमें क्या आप लोगों को हड़बड़ी है। आप लोग तो 2 साल भाजपा का लोग बर्बाद कर दिया तो कभी पूछते ही नहीं थे कि रोजगार के बारे में, खाली हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के बारे में पूछते थे। तो हमारी ये उपलब्धि है ना कि आज जो सोए हुआ जो पत्रकार था जो हिंदू मुसलमान की बातें करता था आज कम से कम जो असल इशू है रोजगार का उस पर चर्चा चल रही है, तो ये तो हमारी उपलब्धि है। आपके जो 4 विभाग हैं बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं, मुझे याद है कि जब आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया था बिहार के विकास के लिए उस 4 विभागों में बड़ी चीज़ें आपने सामने रखी थी, उनको लेकर के क्या लगता है कि इनमें सबसे बड़ा 3-4 चैलेंज क्या है जिसको ठीक करना चाहेंगे? देखिए अभी तो चैलेंजेस आते रहेंगे और जो हैं उसको दूर करना है। चैलेंजेस क्या है आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले लोगों को, लचर व्यवस्था ना मिले, जो विभाग की ड्यूटी है जो भी एक रोडमैप तैयार किया गया है या योजनाएं चल रही हैं या जिस पे निर्णय लिया गया है उस पे अमल किया जाए, केवल कागजों पे नहीं बल्कि ज़मीन पर। इसको लेकर के चाहे रोड बनाने की बात हो तो रोड शहर से लेकर के जो है गांव तक रोड बननी चाहिए, जहां पुल नहीं है वहां पुलिया बननी चाहिए लेकिन टाइम पे बननी चाहिए। तो जो भी इशू है अच्छे अस्पताल हो, लोगों को दवा मिले, लोगों की जान हम कैसे बचा सके, लोगों को स्वस्थ हम कैसे रखें, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल कोरोना होता है उसका भी इलाज कर देंगे, उसका भी इलाज के लिए कुछ सोचेंगे? कौन लोगों को आप लिस्ट दीजिए ना, फिर विचार करके आपको बता देंगे। जिनको जिन लोगों का दिख रहा है कि रोजगार की बातें या अच्छी अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, तो अच्छी बात है हमसे पूछे ना, रोजगार के बारे में पूछे, सवाल जितना पूछना ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे हम लोग अलर्ट होंगे, विभाग अलर्ट होगा, पदाधिकारी अलर्ट होंगे, यही तो बात है। लेकिन आप हेट्रेड पैदा मत करो, आप समाज में जहर मत बो, आप भाई को भाई से मत लड़ाओ, जब पीस है तब प्रॉस्पेरिटी है ना, और जब सवाल विपक्ष है तभी तो लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग तो विपक्ष को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं, यानी लोकतंत्र को ही डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगे, तो इससे काम चलने वाला है नहीं। तो आप लोग सब लोग जो हैं यहाँ आए हैं और आप लोगों से भी हम अपेक्षा करेंगे उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी जो है भाई सहयोग कीजिए, है ना, और जो गलती होगी तो आप लोग तो दिखाते ही ना हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार बहुत नीचे पायदान पर दिखता रहा, आप लोग उठाते भी रहे हैं सवाल लगातार, ट्रबल इंजन था ना।